गोल्डिस किचन में आज हम बनाने वाले हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल केक, यानी कि रेड वेलवेट केक आज हम बनाएंगे। ये देखिए गाइस, है ना बहुत ज़्यादा फूला फूला केक जो कि हमने कढ़ाई में बनाया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा केक बनेगा, ये देखिए है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक, एकदम रुई की तरह नरम केक बन करके तैयार होगा। और हम इसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना करके तैयार करेंगे। जब आप इसे कट करेंगे तो एकदम जालीदार हमारा केक दिखेगा, ये देखिए। और हम इस रेड वेलवेट केक की आइसिंग करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, और एकदम बाजार जैसा हमारा एकदम सॉफ्ट केक बन करके तैयार होगा जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो आइए हम इस रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले मेरे नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं गोल्डी और आप सभी का गोल्डी किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। केक का स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है एक पतीला, ये एल्युमिनियम का पतीला है। आप यहां पर एल्युमिनियम की टीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस पतीले को मैं अच्छी तरीके से ग्रीस कर लूंगी ताकि केक को निकालने में हमें बहुत ही आसानी हो जाए। पतीले को एकदम अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब मैं इस पे चारों तरफ लगा दूंगी बटर पेपर, ताकि केक हमारा बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाए। और ये लीजिए, केक बेक करने के लिए मोल्ड हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपके पास इस तरीके से बटर पेपर ना हो तो आप चारों तरफ इसके मैदा छिड़क के भी इसे अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं जल्दी से कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो मैं आज केक को बेक करने वाली हूँ कढ़ाई में, तो मैंने यहाँ पर एक एल्युमिनियम की कढ़ाई ले ली है। आप चाहें तो नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी एक जाली, आप चाहें तो रिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हम इस कढ़ाई में किसी भी प्रकार का नमक या फिर बालू नहीं डालेंगे, हम इसे इसी तरीके से बेक करेंगे। तो अब मैं इसे ढक करके अच्छी तरीके से प्रीहीट करूंगी लगभग 10 मिनट के लिए। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। तो जब तक ये कढ़ाई अच्छे से गर्म हो रही है, तब तक जल्दी से बैटर बना करके तैयार कर लेती हूँ। केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बोल, और हम इसमें डालेंगे 4 अंडे, क्योंकि आज मैं अंडे वाला केक बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो एगलेस केक भी बना सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से केक की रेसिपी देख सकते हैं। तो हम इसमें एक एक करके चारों अंडों को डाल देंगे। अंडे डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी लगभग 1 कप के करीब। अगर आप इसे वेट में देखें तो ये 200 ग्राम के बराबर है। तो अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से व्हिप करूंगी। तो व्हिप करने के लिए आप चाहें तो इस तरीके का एक हैंड बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करूंगी ताकि सभी चीज़ों को मिक्स करने में हमें आसानी हो। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है, और इसी से मैं अच्छे से इन्हें व्हिप करूंगी। हम इसे तब तक व्हिप करेंगे जब तक कि अंडे और चीनी फूल करके 3 से 4 गुना बढ़ ना जाए। और ये लीजिए, अंडे और चीनी को जो मैंने एकदम अच्छे से मिक्स किया था, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी हो गया है, फूल के 4 से 5 गुना हो गया है ये, और बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। तो इस स्टेज में मैं हैंड ब्लेंडर को ऑफ करूंगी और इसमें ऐड करूंगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का एसेंस। आप यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर या फिर आप चाहें तो अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी यहाँ पर फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो लगभग 1/2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें एसेंस ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरी एसेंस डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के करीब, और इन सभी चीज़ों को फिर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड स्ट्रॉबेरी कलर। अगर आपके पास रेड कलर हो तो आप उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि रेड वेलवेट केक के लिए रेड कलर ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे रेड कलर नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे रेड स्ट्रॉबेरी कलर लिया है। तो मैंने लगभग 4 से 5 ड्रॉप के करीब रेड स्ट्रॉबेरी कलर को डाल दिया है, और फिर से मैं इसे अच्छी तरीके से व्हिप कर लूँगी। और ये लीजिए, केक के बैटर का आधा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मैदा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब मैदा लिया है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करूँगी और इसे कटर फोल्ड मेथड के थ्रू इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। बैटर तैयार करने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बैटर को हमें एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है। और ये लीजिए, केक का बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे डाल देती हूँ मोल्ड में। मोल्ड में डालने के बाद हम इसे हल्का सा टैप करेंगे, और अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूंगी। कढ़ाई एकदम अच्छी तरीके से प्री हीट हो गई है, तो हम इसमें मोल्ड को डालेंगे और इसे डाल करके मैं ढक दूंगी, और ढक करके 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हमें इसे पहले पकाना है। 10 मिनट पूरे हो गए हैं, तो फ्लेम को हमें स्लो करना है और इसे फिर से 35 मिनट के लिए मैं अच्छी तरीके से बेक करूंगी।
सो फाइनली केक को बेक होते हुए पूरे 45 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसे चेक करती हूँ। और ये देखिए गाइस, वाओ, केक बहुत ही अच्छे से फूला है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी दिख रहा है। तो अब इस केक को मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। तो मैंने लिया है एक टूथपिक और इसे मैं इस तरीके से डालूंगी। और ये देखिए गाइस, एकदम क्लीन है, यानी केक हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है। तो अब इस मोल्ड को मैं कढ़ाई में से बाहर निकाल लेती हूँ। और ये देखिए गाइस, केक हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ज़्यादा रेड नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी रेड डाला था। तो अब मैं इस बटर पेपर से ही इसे तुरंत बाहर निकाल लेती हूँ। केक हमारा बहुत ज़्यादा हल्का बना है, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो मैं इसे एक प्लेट में रखती हूँ और उसके बाद मैं इसका बटर पेपर आपको निकाल करके दिखाऊंगी। और ये देखिए गाइस, केक हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, मैं जैसे इसको प्रेस करूँगी अपने आप ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम मार्केट स्टाइल सॉफ्ट बना है और साइड से हल्का से डार्क हो गया है, लेकिन एकदम सॉफ्ट है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसकी आइसिंग करेंगे तो साइड वाले एजेस को हम हल्का सा कट कर लेंगे। तो आइए जल्दी से हम इसकी आइसिंग कर लेते हैं। केक की आइसिंग करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि केक आपका पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। उसके बाद हम इसके साइड के एजेस को हल्का हल्का कट कर लेंगे। अब मैं इस केक की आपको सॉफ्टनेस चेक करके दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, चारों तरफ से अच्छे से बेक हुआ है और बहुत ही अच्छे से इसमें जाली जाली बनी है, जैसा कि मार्केट वाले केक में होता है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब मैं इसे लगभग 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी, क्योंकि एक हिस्सा हमें चाहिए होगा ग्राइंड करने के लिए, ताकि हम उसके ऊपर एकदम अच्छे से डेकोरेट कर सकें केक को, उसे गार्निश कर सकें। तो मैं इसे इस तरीके से कट करूँगी नाइफ के थ्रू। और ये देखिए गाइस, कितना अच्छा जालीदार केक बन करके तैयार हुआ है। आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इस केक को बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, वो भी कढ़ाई में बना करके तैयार किया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। तो अब जल्दी से हम इसकी आइसिंग कर लेते हैं। और ये लीजिए, दूसरा वाला स्पॉन्ज भी हमारा रेडी हो गया है। तो ये थर्ड वाले स्पॉन्ज को मैं मिक्सर जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे थर्ड वाले स्पॉन्ज को एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। कुछ इस प्रकार से ये बूरा होना चाहिए, यानी कि हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को तैयार रखा है। तो अब बारी है आइसिंग करने के लिए क्रीम। तो मैं जल्दी से क्रीम भी तैयार कर लेती हूँ। व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा बोल और इसमें डालूंगी व्हिपिंग क्रीम। ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इन्हें परचेस कर सकते हैं। तो मैं इसमें आधा क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम डालने के बाद मैं इस क्रीम को व्हिपिंग मशीन से अच्छी तरीके से व्हिप कर लूँगी, तब तक जब तक ये फूल करके हल्का नहीं हो जाता है। और आपने देखा कि मैंने इस क्रीम के नीचे रखा है बर्फ़ वाला पानी, ताकि क्रीम हमारा ठंडा रहे और एकदम जल्दी से हमारा ये आइसिंग तैयार हो जाए। तो मैं इसे ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और ये लीजिए, केक की आइसिंग हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। क्रीम फूल करके 2 से 3 गुना बढ़ गया है और एकदम हल्का हो गया है। अगर आप बोल को उल्टा करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो आप समझ जाइए कि क्रीम आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। तो अब इस स्टेज पे मैं जल्दी से इसे साइड में रखती हूँ और केक की आइसिंग कर लेती हूँ। सो फाइनली केक और आइसिंग दोनों तैयार है। तो अब जल्दी से हम केक डेकोरेट करके तैयार कर लेते हैं, यानी कि केक की हम आइसिंग कर लेते हैं। केक की आइसिंग करने से पहले एक बात का ध्यान आप जरूर रखिए कि जब भी आप केक की आइसिंग करिए, हर स्पॉन्ज में हमें चीनी और पानी का घोल लगाना जरूरी है, ताकि केक हमारे एकदम सॉफ्ट रहे। और अब मैं स्पॉन्ज के ऊपर डालूंगी क्रीम और इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला लूंगी। इसी प्रकार से हमें दूसरे स्पॉन्ज के साथ भी करना है और क्रीम लगा के हम चारों तरफ से अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। हमें इसे इक्वली स्प्रेड करना है। और ये लीजिए, केक की आइसिंग हो गई है। तो हम इसके चारों तरफ क्रम्बल किया हुआ केक लगा देंगे, जो मैंने पहले से ही ग्राइंड करके रख लिया था। और मैंने यहाँ पे स्टार वाले नोजल का इस्तेमाल किया इसके ऊपर फूल बनाने के लिए। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हम फूल बनाएंगे। आप अपने चॉइस के हिसाब से इस पर कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस, वैलेंटाइन डे स्पेशल वाला केक हमारा तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा रेड वेलवेट केक दिख रहा है। और अब मैं इस केक को आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि केक हमारा कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है।
वाओ, बहुत ही अच्छा केक बना है, कितने आसानी से कट गया है। तो अब मैं इसे खा करके भी दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस हमारा ये केक बन करके तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, खाते मुँह में घुल जा रहा है, इतना टेस्टी हमारा केक बना है। तो इस वैलेंटाइन डे स्पेशल में आप भी इस तरीके से रेड वेलवेट केक बनाइए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइए। और हमेशा की तरह वीडियो अच्छा लगे तो ये प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले मेरे नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।